हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्वर साइड फिल्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेनस्टैक टेबल 8 में, ठीक है। यानी कि ग्लोबली कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं, और काफ़ी कमाल का वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले ना डेमो देख लेते हैं। तो इसमें टेनस्टैक टेबल का जो फिल्टर है, दो तरह का फिल्टर होता है, एक होता है ग्लोबल फिल्टर और एक होता है कॉलम बेस्ड फिल्टर, ठीक है। दोनों वीडियो देखेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियोज़ में दोनों को समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल फिल्टरिंग है। तो बैकएंड का जो फिल्टर सर्चिंग का जो फुल टेक्स्ट सर्च होता है, या बैकएंड का जो भी फीचर वो इंप्लीमेंटेड जैसा भी किया होगा, उसको हम लोग इस पर कनेक्ट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, या जो भी है मतलब कि उसको इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जो फिल्टर होगा वो फ्रंट एंड के थ्रू नहीं होगा, बैक एंड के थ्रू सर्च होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ भी सर्च करेंगे तो चलेगा, फुल ग्लोबल सर्च है, ग्लोबल फिल्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि चाहे फुल नेम वो कहीं भी मैच कर जाएगा, वो एक कैरेक्टर तक हो सकता है। जैसे कि मान लो 18 एज वाला कुछ डेटा चाहिए जिसका एज 18 हो, ठीक है। अगर वन लिखेंगे तो ऐसा सारा आ जाएगा यहाँ पे जिसका मतलब वन से रिलेटेड मतलब कुछ भी होगा, ठीक है। जैसे कि वन कहीं पर भी कुछ दिखेगा तो उससे रिलेटेड अगर आप सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे सारा वन हाईलाइट हो जाएगा। बोलो भाई वन कहाँ कहाँ, देखो सब जगह हाईलाइट हो गया। या तो उसका ईमेल में मैच कर जाए, या तो नेम में मैच कर जाए, या तो एज में मैच कर जाए। मान लो कि जिसका एज 18 है वो चाहिए फिर जिसका एज 100 है, ठीक है। रुको, 100 है जिसका एज, ठीक है। ये देखो अब जो है 100 जिसका एज है वो सारा डेटा यहाँ पर आएगा। जिसका 100 नहीं भी है वो भी आ सकता है, कहने का मतलब कि वन मान लो किसी का ईमेल में था, मान लो कि ऐसा ईमेल निकालना है मान लो ऐसा सर्च करना है, ऐसे यूजर्स जिसका ईमेल जिसका ईमेल जो है जीमेल में बना हुआ, तो कैसे सर्च करेंगे, @gmail लिखा होता ना, तो खाली यहाँ जीमेल लिख देंगे, या फिर जीमेल लिख देंगे, या फिर GMA लिखेंगे तो भी मैच कर जाएगा ना कहीं कैरेक्टर बेस्ड है। तो कुल मिला के बात ही यहाँ पर ये नहीं कि क्या लिखेंगे क्या मैच करेगा, बात ये कि कैसे आप ग्लोब जो भी सर्चिंग का फीचर है, ग्लोबल सर्च का जो चीज़ होता है, फुल टेक्स्ट सर्च वो जो है उसको कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी वो अगर API में अगर ऐसा बना होगा कि एक एक कैरेक्टर मैच करना हो या फिर एक एक वर्ड मैच करना हो, उसका डिपेंड करता है कि ऐसे जैसे भी API में इंप्लीमेंट किया गया होगा उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ये नहीं कि ये कर रहे हैं वन लिख रहे हैं तो फिर ये क्यों आ जा रहा है वो क्यों आ जा रहा है, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिसने API बनाया होगा बैकएंड में वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बस इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उस फीचर के यहाँ पर फायदा उठाया जा सके, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। जैसे कि मान लेते हैं अगर लिखते हैं ए अंकित करके लिखते हैं, अंकित करके कुछ अगर होगा तो आ जाएगा, ठीक है, अंकित, ठीक है। ये देखो तो भाई यहाँ पे अंकित तो कुछ ऐसा है नहीं, देखो है ना। अगर इसको सर्च करेंगे देखो इस तरीके से, देखो इसके ईमेल में मैच कर गया, ये देखो अंकित तो नहीं है लेकिन इन के अंकी लिखा हुआ है, ठीक है। इनका तीनों का ईमेल में है, इसका नेम में है और इसका है, लेकिन अगर आप अंकित लिख दोगे तो भाई कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अंकित पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। बट अगर ए अंकित तक लिखोगे तो हर एक कैटर मतलब कैरेक्टर वाइज अगर इसमें मैच कर जा रहा है, मतलब कि देखो यहाँ अंकित हाईलाइट हो गया ना, पता चल जाएगा आपको कि हाँ सही दिखा रहा है। तो डिपेंड करता है आपका बैकएंड में कैसा है। और एक चीज़ ये कि जैसे आप पूरा इरेज कर देंगे तो यहाँ पर सर्च भी हट जाएगा, ये वाला भी फीचर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ये नहीं कि यहाँ पर रहा रहेगा तो भद्दा दिखता है, उसको जो थोड़ा टाइम लगा जाता है मेरे को ठीक करने में, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भद्दा दिखता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी करना क्या है, सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप इस गिटहब की रिपोजिटरी पेज पे आ जाओगे। तो सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर लिखोगे तो दो आएगा, फिलहाल क्लिक करा है बट जो भी है दो आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। कॉलम वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे, अभी तक उसको मैंने इस पर अपलोड नहीं किया गिटहब पर, ठीक है। खैर जो भी हो, तो फिल्टर लिखेंगे, सर्वर साइड ग्लोबल फिल्टरिंग इस तरह से आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको टू कमिट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फाइनल कोड चाहिए तो आप ले सकते हो, बट अभी हम लोग स्टार्टर कोड जो है इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्टर कोड से शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल बेसिक सा टेबल है, ठीक है। इसको डाउनलोड जिप करते हैं, ये इसको अब एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया, इसको इस साइड लेके चलते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन टैब हियर करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये टैब ही ओपन हो गया, उसके लोकेशन पे ये पकड़ लेगा, मतलब वहाँ पर किया था ना ओपन टैब ईयर, तो एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आ जाएगा। राइट क्लिक करते हैं पहले, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और क्लोज अदर टैब कर देते हैं, ठीक है। अदर टैब कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करके क्लीन करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस कर देते हैं भाई, तो ये सारा पेस्ट हो गया, एंटर करते हैं। तो कुल मिला के बात है इन रूट में इंस्टॉल होगा, फिर बैकएंड के अंदर जाके इंस्टॉल करेगा, फिर वापस आएगा, फिर फ्रंट एंड के अंदर जाके सारा पैकेज इंस्टॉल करेगा, फिर वापस आएगा और NPM स्टार्ट मतलब रन करेगा, तो भाई वो कॉन्करेंटली और नोड वन के थ्रू पैरेलल बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये सारा पैकेज हमारा इंस्टॉल नहीं हो जाता है। तो ये हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया और भाई अभी फ्रंट एंड भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, इस जो प्रोजेक्ट फोल्डर था राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है।
तो अभी क्या करते हैं, बैकएंड में जाते हैं, अरे भाई रुको, बैकएंड में जाते हैं, सर्वर जेएस में जाते हैं और डेटाबेस का नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेस्ट ग्लोबल फिल्टर के जगह हम रख देते हैं ग्लोबल फिल्टर, ठीक है, सिंपल है। और इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पे फिर से रीस्टार्ट हो रहा होगा, ये हमारा बैकएंड का सर्वर है और फ्रंट एंड तो चल ही रहा है। तो अभी जाते हैं गिटहब के रिपोजिटरी पर, ये जो 1000 डेटा है इसको यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, सिंपल है भाई मेरे। अब जो आपको करना क्या, MongoDB का जो कंपास एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना, एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। और जो ये ओपन हो चुका है तो सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई ग्लोबल करके, ABCD कहाँ गया भाई, ABCDFGH कहाँ है, नहीं आया क्या ग्लोबल, ये रहा ग्लोबल फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करते हैं और ऐड डेटा पे करते हैं, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे करते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, इरेज करते हैं, पेस्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट हो जाएगा 1000 डेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहा है, काम खत्म हो गया इसका। अरे भाई इंस्टॉलेशन के लिए नहीं करना मेरे को भाई, अपडेट चाहिए नहीं चाहिए कुछ, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ब्राउजर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर पे आपका जो ये ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट पोर्ट 5173 पे, और अगर आपको ये 1000 डेटा देखना है 3000/ अगर यूज़र्स पे आप हिट करेंगे तो आपको जो है 1000 डेटा दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर API इम्प्लीमेंटेड है, तो आप अगर सर्च पे लिखेंगे, सर्च पे देखो अभी लेंथ आ रहा है 1000, यानी 1000 डेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ फिर से मैं एक बार टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ, इसको पोस्टमैन से भी दिखा सकता था लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पे 100 लिख रहे हैं यानी, ठीक है, ये देखो तो ऐसा क्या बोले, 100 जिसका एज है, अब जरूरी नहीं कि 100 जिसका एज है भाई वही आ रहा होगा, मान लो किसी के ईमेल पे 100 लिखा गया तो ईमेल वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि फुल टेक्स्ट सर्च है ना। ऐसा जीमेल वाला अकाउंट चाहिए तो इस तरह से जीमेल लिखेंगे तो 336 भाई यूज़र है जिसका ईमेल जीमेल है, ठीक है। मान लो हॉटमेल वाला चाहिए, ठीक है, हॉटमेल का जो है 315 ऐसे यूज़र है जिसका भाई हॉटमेल है, ठीक है। याहू मेल का चाहिए, याहू ऐसा कुछ होगा, अरे भाई ये क्या लिखा गया, देखो याहू ऐसा ही होता है ना, याहू, हाँ तो भाई 300 क्या मतलब 49-50 क्या बोलते हैं, हाँ 349, ठीक है। तो हाँ 349 बोलते हैं, 49-50 हाँ 49 बोलते हैं, ठीक है। तो 349 भाई इंग्लिश में बोले तो ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, अच्छा छोड़ो फिर, तो फिर हाँ ग्लोबल फिल्टर भाई इंप्लीमेंट करते हैं। तो बैकएंड क्लोज करते हैं, फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, सोर्स फोल्डर को ओपन करते हैं, राउट्स में देखो बाकी चीज़ पता है भाई, मैं फिर से अभी बोलूँगा ये राउटिंग है वो राउटिंग है, ये सिंपल है, मतलब मैंने स्टार्टिंग सीरीज में समझाता, फर्स्ट वीडियो में तो पूरा समझा दिया, एक क्लाइंट समझा दिया, तो भाई फिर से बताने का कोई सेंस नहीं बनता ना। और बहुत सिंपल कोड है, ऐसा नहीं कि भाई एकदम भरा पड़ा 50-60 हज़ार लाइन का कोड है कि समझ में नहीं आएगा, सिंपल राउटिंग है भाई, 2-4-10 लाइन का यहाँ पर प्रोवाइडर है, सिंपल है, डेटा लोड करा लोडर फंक्शन के थ्रू, समझ रहे हो, और यूज़र्स, ठीक है। तो मतलब ये सब बता के रखा हुआ है, फिर से बताने में मतलब मन नहीं करता ना भाई, बोरिंग टाइप से लगता है, एक ही चीज़ को बार बार बताओ, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बता के रखा। अब कोई वीडियो अचानक से देख रहा होगा तो भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद समझना है, क्योंकि जब पहला वीडियो है तो भाई देखोगे नहीं फिर क्या मतलब सेंस बनता, हर वीडियो में भाई लेंदी हो जाता है ना, सेम चीज़ को भाई घिसते रहो, एक ही बात को बार बार बोलते रहो, तो इसलिए मैंने सीरीज बना दिया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो ग्लोबल फिल्टरिंग का मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले भाई हम लोग एक स्टेट बनाएंगे जहाँ पर ना यूज़र जो सर्च करेगा वो रखेंगे, ठीक है, समझ लो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मेरे को लगा था टेंसर टेबल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे हार्ड चीज़ है फिल्टरिंग का, इसलिए मैंने फिल्टर के ऊपर वीडियो ही नहीं बनाया, मतलब ऐसा नहीं बना सकता था, लेकिन होता नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा कोड है, पता नहीं एनालाइज करना पड़ेगा क्या है नहीं है, ठीक है, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं उस स्टेट को, तो वो सब चीज़ है। तो फिर मैं ना भाई छोड़ दिया, लेकिन जब मैं देखा कि भाई इससे चीज़ तो कुछ है ही नहीं, मतलब होता है ना जैसे मूवीज़ में कैसे बोलते हैं, जो होता है दिखता नहीं, जो दिखता है होता नहीं, सेम उसी तरीके सीन है भाई। यहाँ पे सबसे इजी था ये पार्ट फिल्टरिंग का, लेकिन पता नहीं मैं अब जो एनालाइज किया, मेरे को वीडियो बनाना था सर्वर साइड की फिल्टरिंग पे, देखा तो भाई मेरे को तो लगा, इसलिए मैं ये वीडियो सबसे लास्ट में बना रहा हूँ, बाकी वीडियो पहले बना लिया ये सोच के कि भाई ये हार्ड होगा, तो इसको लास्ट में होता ना कि भाई इजी वाला सबसे पार्ट पहले डील करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर भाई क्या हुआ कि इजी वाला पार्ट होता ना कि पहले पहले बनाते हैं और फिर हार्ड वाला पार्ट भाई बाद में, तो उसी तरीके से मैंने सोचा, बाद में देखा भाई बहुत इजी है, ठीक है। तो स्टेट का नेम जो देंगे भाई कुछ भी दे सकते हो, ABCD अलना फलना ढिंगाना, बट यहाँ पे देते हैं ग्लोबल फिल्टरिंग, ग्लोबल फिल्टर, ठीक है, ग्लोबल फिल्टर। और सेट फंक्शन कैसा होगा, सेट ग्लोबल फिल्टर। अब ऐसा क्यों देते हैं, रीज़न भी बताते हैं, बताएं बहुत बार लेकिन फिर भी बता देंगे, ठीक है। और इसका जो डिफॉल्ट वाले एम्प्टी होगा इस तरीके से, क्योंकि यही यहाँ यही होगा, और जहाँ पे भाई डेटा यूज़र जो भी सर्च करेगा ना ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, जो भी यूज़र जैसा सर्च करेगा ब्ला 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 ऐसा कुछ भी सर्च करेगा, ठीक है, आलू प्याज टमाटर गोभी भाई भिंडी जो भी सर्च करेगा यहाँ पे आके वो चीज़ सेट होता रहेगा, समझे।
तो भाई आप क्या करती है, तुमने बना दिया ठीक है, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो देखो यहाँ पे स्टेट एक प्रॉपर्टी देंगे जिसमें कि आपको इन्हें ग्लोबल फिल्टरिंग के लिए ग्लोबल फिल्टर करके एक प्रॉपर्टी देना पड़ता है और उसका वैल्यू में देना पड़ता है जो भी स्टेट हमने बनाया। अब हमारा जो स्टेट का नेम है वो भी भाई ग्लोबल फिल्टर है। अब दोनों का नाम जब सेम हो जा रहा है प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू का, तो एक बार भी देंगे तो चलेगा, समझ गए। फिर नीचे इसका अपडेट करने के लिए देना पड़ता, तो ऑन ग्लोबल फिल्टर चेंज, ये रहा ऑन ग्लोबल फिल्टर चेंज प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको एक सेट फंक्शन देना पड़ता है। ये जो स्टेट मिलता है ना सेट फंक्शन, बस आपको मेंशन कर देना, ये इसमें वैल्यू पास कर देगा और ऑटोमेटिक अपडेट करता रहेगा हर बार जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो भाई एक चीज़ मेरे को देखना, शायद मैंने मैनुअल इनेबल किया था गिटहब पे, नहीं तो भाई मेरे को फिर से करना पड़ेगा फाइनल कोड पे। रुको मैं देख लेता हूँ अभी फाइनल कोड पे अगर देखूँ यहाँ पे तो क्या मैंने भाई किया था इनेबल। अरे यार ऐसे नहीं, रुको रुको, नहीं तो फिर ना मेरे को भाई इसमें एक नया पुश करना पड़ेगा। अरे यार कहाँ से होता है यार ये वाला से ना, मेरे को गिटहब का भाई है मतलब उतना भी नहीं आइडिया है, जितना काम के लिए चाहिए होता उतना ही बस आइडिया है। सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे राउट्स पे जाते हैं। अच्छा मैंने देखा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों भाई उन्होंने बोल कर रखा कि मैनुअली इनेबल करना पड़ता, मैंने किया कि नहीं किया वो देखना मेरे को। हाँ मैनुअल फिल्टरिंग है, लेकिन कुछ खास मैंने देखा नहीं कि भाई कुछ नहीं काम नहीं करना ऐसा कुछ होना, ऐसा होता ना कि मान लो नहीं किया तो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वाला कुछ नहीं होता। तो मैंने जो भी है भाई इन्होंने बोल कर रखा तो कर ही देते हैं, मैनुअल फिल्टरिंग को ट्रू कर देना, क्योंकि यहाँ पर हाँ ऑब्वियसली मैनुअल फिल्टर ट्रू करने से क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे बचेगा ना टास्क, यानी कि जो फिल्टरिंग हो रहा है जो रो मॉडल क्रिएट कर रहा है एक्सपेंसिव जो कैलकुलेशन हो रहा है वो नहीं करेगा। मैनुअल फिल्टर अपने ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये कि इसने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई छोड़ दिया अपना, होता है ना कि भाई बोलते ना हाथ खड़ा कर दिया यानी कि भाई मैं नहीं करूँगा ठीक है फिल्टर आप कर लो ऐसा वाला कुछ। तो इसीलिए मैनुअल फिल्टर ऑन करने से आपको मतलब फिल्टर आपको करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, अब क्या करते हैं देखो, अब ना ये टेबल कंटेनर के अंदर एक स्टैक कंपोनेंट देते हैं, ठीक है स्टैक देते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग कर देंगे इसीलिए। और यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फील्ड देते हैं, सिंपल टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट देते हैं। और यहाँ पे भाई प्लेस होल्डर देते हैं, जैसे ग्लोबल सर्च कुछ भी लिख दो, इंटीरियर कीवर्ड ब्ला 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 जो मन करे, ठीक है ग्लोबल सर्च, ठीक है, या फिर क्या लिख दे भाई इंटीरियर कीवर्ड थोड़ा गूगल टाइप से, ठीक है इंटीरियर कीवर्ड यही लिखा हुआ रहता है ना कीवर्ड या जो भी मन करे, ठीक है। और यहाँ पे भाई सिंपल वैल्यू दे दो, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू को कनेक्ट करेंगे उस स्टेट से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्लोबल फिल्टर जो स्टेट अभी क्रिएट किए थे जिसका वैल्यू एकदम एम्प्टी है। और ऑन चेंज लगाएंगे इवेंट हैंडलर ऑन चेंज ये रहा जिसमें कि इवेंट ऑब्जेक्ट आता है, ई एज इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेट ग्लोबल फिल्टर, ठीक है, जो ये जो है ना स्टेट इसको अपडेट करेंगे यहाँ इसका वैल्यू को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर इसमें कॉल करके पास कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ई डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने से जो यूज़र लिख रहा होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। स्टैक में इस तरीके से एरर दिखा रहा है यानी कहने का ये ऑटो इंपोर्ट नहीं किया होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देते हैं क्योंकि भाई ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से आ रहा, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं भाई भद्दा लगता है, ठीक है। मूवी में नहीं बोलता है भाई क्या बोलते हैं वो फिर हेरा फेरी में कि भाई खाना भी खाओ तो काटा चम्मच से खाना खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पैडिंग दे देना है 2-3 जो मन कर दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उससे, बस थोड़ा अच्छा लगेगा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे यूज़र जो भी लिखेगा मतलब यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा स्लो आ रहा है, नॉर्मली भी यहाँ पे स्लो आता है उसका रीज़न बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा स्लो आ रहा है, पहला रीज़न मेरा हो सकता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसे हेवी यूज़ हो रहा है लैपटॉप पे तो इसलिए दिखा रहा है। दूसरा मेरे को पता है ये स्लो होता है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है टेंशन मत लो। वो डिबाउंस करके कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे उनके सोर्स कोड में उठा के, बस छोटा सा कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो खैर जो भी अभी फिलहाल उस पर फोकस नहीं करते, अभी फोकस करते कि अगर कुछ यहाँ सर्च करते हैं जैसे 100 लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमें वो डेटा आ जाए जिसका एज 100 या फिर जो भी 100 से मैच करता हो, जैसे जीमेल वाला चाहिए था ना कि जीमेल लिखे और भाई जो है जीमेल वाला आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, तो यूज़र जब भी लिख रहा होगा ना उसको डिटेक्ट करेंगे हम लोग, कैसे डिटेक्ट करेंगे, यूज़ इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, डिटेक्ट करता है उसमें डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे एज ए डिपेंडेंसी, ग्लोबल फिल्टर को, यानी जब भी ये अपडेट होगा। ग्लोबल फिल्टर कब अपडेट होगा, जब यूज़र कुछ इसमें लिखेगा, ठीक है। और यूज़र कब लिखेगा, जब हम लिखेंगे, मतलब हम ही तो है ना यूज़र ऐसे, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट हुक देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस तरीके से भाई कर्ली ब्रेसेस देते हैं, पहले डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, क्या देंगे डिपेंडेंसी में, ग्लोबल फिल्टर, ठीक है ग्लोबल फिल्टर, यानी जब भी यूज़र कुछ लिखेगा तो ग्लोबल फिल्टर स्टेट अपडेट होगा, और जब जब ग्लोबल फिल्टर स्टेट अपडेट होगा तब तब यहाँ पे भाई इसके अंदर का कोड यूज इफेक्ट का कोड अंदर एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि इसके डिपेंडेंसी में ग्लोबल फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब भाई हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो ग्लोबल फिल्टर मान लो एम्प्टी रहेगा ना, तो हम लोग भाई तब सर्च करना चाहते हैं जब कुछ उसमें यूज़र लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल फिल्टर डॉट लेंथ, ठीक है, यानी उस स्ट्रिंग है तो लेंथ निकाल सकते हैं, इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट सर्च पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू डू लिख देते हैं, टू डू ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक्सटेंशन मेरे पास है, मतलब पता नहीं इसी भी एक हाईलाइट हो जा रहा है, अच्छा मतलब है एक्सटेंशन, हाँ प्लगइन एक्सटेंशन जो भी बोलो,
ठीक है, तो हम लोग यूज़ सर्च पैरामीटर हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यूज़ सर्च पैरामीटर, ठीक है। इसके वजह से हम लोग URL पे भाई डेटा डाल सकते हैं, पता है चार चार पिछले तीन चार वीडियो में बता चुका हूँ आपको भाई क्या सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे URL पे हम लोग पैरामीटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं पर भी, यहाँ पर बस एक इसको इनिशलाइज कर दो सर्च पैराम्स, ठीक है। इसके मदद से आप सारा एक्सेस कर सकते हो URL के डेटा को। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट में डाल दोगे सर्च पैराम्स को तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और एक आता है सेट सर्च पैराम्स, जिसके मदद से आप URL पे सेट कर सकते हो। सॉरी भाई बैकग्राउंड में नॉइज़ आने के लिए, गैस वाला शायद गाड़ी आ रहा है। तो सेट सर्च पैराम्स, ठीक है। अरे भाई कैसे लिखा रहा है, सेट सर्च पैराम्स, ठीक है, ये हो गया। और बस आपका यहाँ कॉल कर देना है यूज़ सर्च पैराम्स, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे टू डू यहाँ पे लिख के रखा था, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे लिखना है सेट सर्च पैराम्स। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे वही लिखेंगे जो यहाँ पे ये की वैल्यू है, यानी सर्च की है ना, तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे सर्च और अरे यार सर्च ऐसे की लिखेंगे और वैल्यू में क्या देंगे, वैल्यू में देंगे ग्लोबल फिल्टर, क्योंकि उसी में तो हमारा यूज़र जो लिख रहा है वो सेट हो, मतलब कि उसमें सेव हो रहा है ना। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि मान लो जीमेल, ठीक है, जीमेल लिखते हैं। अभी आपको थोड़ा स्लो दिख रहा होगा बट इसको ठीक कर देंगे। यहाँ पे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक सेकेंड ये काम कैसे कर रहा है, क्या बैकेंड में यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे तो कुछ करके नहीं रखा हुआ, तो भाई यहाँ पे ये चीज़ काम कैसे कर जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसको सेव करते हैं। नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेज दे रहा है क्या भाई, रुको रुको रुको, थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है यार। जब हम कोड करते तब कुछ और होता है, जब वीडियो बना रहे थे तब कुछ और होता है। अगर यहाँ पहला तो चलो यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, जानबूझ के सारा यूज़र पहला रिक्वेस्ट गया, यूज़र हिट किया सर्वर पे, लोड कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं जी लिखते हैं, खाली जी लिखते हैं, हाँ अच्छा, वो बहुत सारा रिक्वेस्ट चल गया था, पता नहीं बहुत सारा जाएगा उससे क्या मतलब है। सिंपल था, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो हम रिकॉर्ड करें भाई, सिस्टम ऐसे स्लो पड़ जाता है रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा श्योर, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होता होगा आपके साथ, मतलब यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बहुत बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो जो भी है जीमेल लिखे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि जीमेल वाला डेटा आ गया, नहीं आया ना, फिल्टर नहीं हो रहा, भले हर बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे URL आ गया तो इसके साथ भेज रहा है, अगर भेज रहा होता तो यहाँ पर आपको दिख रहा होता नेटवर्क टैब में, सिर्फ यूज़र्स पे जा रहा है। किसी पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे जो 3000 स्लैश यूज़र्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं वो नहीं आ रहा, तो यहाँ अटैच करना पड़ेगा, तो सिंपल है, हो गया भाई। यहाँ पे मेन में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, आपको पता ही है रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसके अंदर से बाहर खींच के निकाल रहे हैं किसको, रिक्वेस्ट को। और रिक्वेस्ट में प्रॉपर्टी होता है URL, आप कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो, यहाँ पर बैकटिक्स देते हैं और URL में ही एक्चुअली ये पूरा URL होता है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, 5173 और क्वेश्चन मार्क तक, हम लोग उसको दो टुकड़ा में बांट लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ स्टैटिक देंगे और उसका फिर डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL डॉट स्प्लिट, और उसको दो टुकड़ा में बांट लेंगे, किसके बेस पे बांटेंगे, क्वेश्चन मार्क के बेस पे बांटेंगे, ठीक है। तो दो टुकड़ा हो गया, हम लोग कौन सा चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड, ये चाहिए, ठीक है। तो जीरो से इंडेक्स शुरू होता है 0 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र कुछ लिखा ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो अनडिफाइन होगा, तो यहाँ पर डबल सिंबल इस तरीके से देंगे क्वेश्चन मार्क का और नल दे देंगे, मतलब नल नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग जो भी है, ठीक है। मतलब अगर यूज़र कुछ सर्च नहीं किया तो नहीं तो फिर वो एरर एप्लीकेशन ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इस बार देखना शायद, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी था ना, तो ईमेल सारा जीमेल वाला आ गया, देखो आ गया ना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको फिर से एम्प्टी कर देते हैं। अरे यार ओहो, ठीक है, हाँ तो ये हो गया लोड। अब मान लो यहाँ पे 100 लिखते हैं तो वो सारा यूज़र आ जाएगा जिसका एज जो है 100 होगा, ठीक है। ये देखो एज जिसका 100 है वही डेटा आया, ठीक है, या जैसे लिखते हैं उस वक्त लिखा था अंकित टाइप से, ANKI, ठीक है, अंकी जैसे लिखते हैं, अंकी तक ही लिखते हैं क्योंकि अंकित नाम का कुछ डेटा है नहीं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अगर आप सर्च करके देखो, गूगल का जो फीचर है हाईलाइट करते हैं कि कहाँ कहाँ है, मतलब ये गूगल का खुद का ब्राउज़र का फीचर है ना, ठीक है, देख रहे हो तो सब में, ठीक है। अब मान लो कि आपको भाई हॉटमेल वाला कोई चाहिए, कि हॉटमेल जिसका भाई हॉटमेल है, ठीक है, ईमेल, तो उसका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है पता है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे देखो कैपिटल में लिखे फिर भी आ गया, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर जो कोडिंग है बैकएंड का, मैंने वहाँ पर केस रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के रखा, वो भी केस इनसेंसिटिव, ठीक है, तो बड़ा छोटा जो भी लिखोगे फिर भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से सारा, अब इसका सॉल्यूशन जो मैं बोल रहा हूँ स्लो चल रहा है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आप टेंसर टेबल 8 के जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं इसको निकालता हूँ बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये आ गए, ठीक है, हाँ नहीं मैं कुछ सोच रहा था भाई, उसको मैं सोच रहा था जैसे इसको इरेज कर रहा ना तो ये क्लीन हो जा रहा है, लेकिन एकदम लास्ट पे जा रहे हैं, यानी एकदम इरेज पूरा कर ले रहे हैं, तो ये जो है
ये तो मतलब कुछ रुक देखो फंस जा रहा है ना, तो इसको ठीक करना चाह रहा था मैं, मतलब भाई ये चीज़ ना हो। ठीक है लेकिन ठीक है उसको करेंगे ठीक। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ना एक एक एग्जाम्पल था कहाँ, फिर एक्सपेंडिंग नहीं, फिल्टर, फिल्टर पे डीबाउंसिंग बोल के होता है, तो उसी को यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे, जिससे ना थोड़ा स्मूथ चलेगा। मेरे यहाँ पे अभी भी हो सकता है स्लो दिखे, क्योंकि भाई बोले ना फिर से कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे ही लैपटॉप पे वो थोड़ा इंप्रेशन डाल देता है, इफेक्ट काफ़ी डालता है हैवी OBS स्टूडियो और भाई ये सारा कुछ, इसलिए मेरा ज़्यादा ही स्लो लगेगा, बट आपका ऐसा नहीं होगा। ठीक है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक डीबाउंस करके एक कॉम्पोनेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल है, मतलब सिंपल है बहुत। डीबाउंस 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 कहाँ गया, रुको रुको, ऐप को भाई पहले इसको ये करते हैं, और ये जो है फिल्टर कंपोनेंट नहीं चाहिए ये भाई, ये रहा डीबाउंस। ठीक है बस इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है ये डीबाउंस डीबाउंस इनपुट फॉर कंपोनेंट, ठीक है तो भाई वो चीज़ लैग नहीं होने देगा। ठीक है सिंपल सा कहीं पर भी पेस्ट कर लो, यहाँ पे यूज़र्स पे, इसको कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ। ठीक है यहाँ पेस्ट कर लिए। ठीक है यहाँ पे जो है रुको रुको, ये टाइप स्क्रिप्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन हट जाएगा। ठीक है ये वाला सेक्शन हट जाएगा, बाकी जो है माउस लेके जाते हैं, क्विक फिक्स करते हैं, इसको डिसेबल करते हैं सबसे पहले भाई, और यूज़ स्टेट ऑलरेडी इम्पोर्ट है। ठीक है ये रिएक्ट को हटा देते हैं, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट तो हाँ यूज़ इफेक्ट भी है। ठीक है तो यहाँ पे जो है ये रिएक्ट डॉट जो है इसको बस हटाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों ने इम्पोर्ट करके रखा हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे बस डिबाउंस को यूज़ करना है, तो टेक्स्ट फील्ड की जगह पे यहाँ पे डिबाउंस यूज़ करेंगे। ठीक है तो डिबाउंस का भी आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना डिबाउंस ये, ठीक है एकदम टॉप पे है ये डिबाउंस सबसे पहला वाला है, तो इसको जस्ट आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये सारा क्लास वलास नहीं चाहिए हटा दो। ठीक है प्लेस होल्डर जो है ये वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर दो, और भाई वैल्यू ग्लोबल फिल्टर हाँ ठीक है, अब इसको जो है इसको इसको कमेंट कर दो। ठीक है बाकी इसको रहने दो, अब देखते हैं। अरे यार अच्छा रुको 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 रुको, हाँ एक चीज़ तो मॉडिफाई करना है वो ये कि इसको पहले कॉपी कर लो, कमेंट कर दो। ठीक है और फिर ना यहाँ पे जो है भाई रिटर्न जो हो रहा है डिबाउंस पे ना, वो भाई यहाँ पे अपना कॉम्पोनेंट देंगे, क्योंकि वो नेटिव वाला हो रहा है इनपुट, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, और ये जो है ये तीनों को यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है ये हो गया, और भाई इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है ये हो गया, अब सेव करो, अब ये काम कर जाएगा। ठीक है तो यहाँ से सर्च फील्ड हटाते हैं, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लगेगा, लेकिन आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है यहाँ पे अगर लिखते हैं जैसे हॉटमेल, देखो ऐसे मेरे सिस्टम में भी स्मूथ आ रहा है। ठीक है ठीक है अभी स्मूथ आ रहा है, जबकि मेरे में ऐसे स्लो चल रहा है भाई रिकॉर्डिंग की वजह से। ठीक है तो हॉटमेल आ गया। ठीक है अगर इसको भाई पूरा उड़ा देंगे तो यहाँ पर हट तो जाएगा, या फिर ये नहीं हट रहा है। ठीक है तो इसको जो है हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है कि भाई ये चीज़ जो है हट जाए, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं कंडीशन हमने लगा के रखा होगा, डीबाउंस को पहले कॉलेप्स कर दो, और यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा होगा ये रहा इफ लेंथ वाला। ठीक है यहाँ पे इल्स कंडीशन देंगे कि अगर भाई लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यानी भाई कुल मिला के बात है कि लेंथ अगर जीरो है यानी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है तो कैसे करेंगे, तो भाई फिलहाल के लिए हम लोग अगर कंसोल लॉग करके देखें इस तरीके से कुछ भी, और यहाँ पे भाई ग्लोबल फिल्टर इस तरीके से, ठीक है और यहाँ पे जो है एक बार कंसोल ओपन करते हैं देखना। ठीक है पता ही आपको क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी ठीक है तो यहाँ पे आने देते हैं, और यहाँ पे जो है हॉटमेल लिखते हैं इस तरीके से, तो हॉटमेल लिख दिए, तो भाई यहाँ पे जो है सारा डेटा हॉटमेल का गया, सर्च में भी आ गया। ठीक है अब जो है इसको अगर इरेज करते हैं, देखो एक करके इरेज कर रहे हैं, ये हट रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब लास्ट पे आ गए। ठीक है इस बार देखना, ठीक है ये देखो फर्स्ट यहाँ पे पहले वन था, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखो अभी टू हो गया है ना, तो अब जो इरेज हो गया, तो हम लोग चाहते हैं ये पूरा हट जाए। ठीक है और ये जो एज लिखा है मतलब हट ही जाए एक तरह से। ठीक है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पर भाई ये चीज़ निकालने में काफ़ी लफड़ा, मतलब बहुत परेशानी हुआ भाई, क्योंकि ये ना लैग कर रहा, अब इसका कुछ मतलब सॉल्यूशन क्या ही बोला, अब ये चीज़ ऐसे कर रहा है, URL बार बार इतना स्लो हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन भाई ये मतलब जो रेंडरिंग का टाइम आगे पीछे कुछ तो हो रहा है ऐसा सीन। ठीक है तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कि सेट सर्च पैरामीटर तो कर ही देंगे, देखो तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन था कि ऐसा कर देते हैं। ठीक है तो पूरा वो ऐसा करने से सॉल्यूशन तो निकल जाएगा, लेकिन भाई वो नुकसानदायक है इसलिए क्योंकि आपका जो बाकी पैरामीटर है ना वो हट जाएगा। ठीक है आपका जो बाकी पैरामीटर है वो हट जाएगा। रुको अरे यार क्या हो रहा है, अरे यार रुको एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
हाँ, तो आपको जो बाकी पैरामीटर, आपका बाकी पैरामीटर हट जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे, अरे यार इसको फिर से रिलोड करना पड़ेगा, तो आपका जो है आपका बाकी पैरामीटर हट जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हॉटमेल लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आ जाएगा, लेकिन अगर पूरा उड़ा दिए तो ये जो हट जाएगा, लेकिन बात है कि यहाँ पर और भी तो कुछ होगा, ये ऐसा थोड़ी कि सर्च कर रहे होगे, तो मैं आपको फ्यूचर लेवल, मतलब अगर स्केलिंग कर रहे हो एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे आपको ये, मतलब मैं ऐसा सोल्यूशन देना चाहता हूँ जो आपको मतलब हेल्प करे, ये नहीं कि भाई सोल्यूशन आप ले लो, देख लो वीडियो और फिर बाद में जो है जब आपको लफड़ा होने लगे तो चार गाली मन से दे दो कि अरे भाई ये तो ऐसा बताया कि इसमें नुकसान ही हो गया, मतलब ऐसा वाला नहीं, एकदम प्रॉपर सोल्यूशन भाई, जो फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो मैं आपको वो देना चाहता हूँ, मतलब फंसा नहीं देना चाहता बीच में कि हाँ भाई किस तरीके से, बस दिखा दो वीडियो में ताकि मतलब समझ में, ऐसा देखने में लगे कि हाँ सॉल्यूशन मिल गया, बट एक्चुअल में वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, तो मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सर्च पैरम्स के अंदर ना हम लोग लेंगे एज ए पैरम्स, या फिर प्रीवियस पैरम्स बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसे लिखेंगे वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स न्यू पैरम्स इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है पुराने वाले जो है इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये कर देंगे पैरम्स को, पुराने वाले मतलब जो भी है उसको भाई स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके मतलब यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे भाई सर्च को, ठीक है, तो डिलीट न्यू पैरम्स, न्यू पैरम्स, रुको भाई स्पेलिंग भी थोड़ा गलत हो गया, PARAMS, ठीक है, न्यू पैरम्स, डिलीट न्यू पैरम्स डॉट सर्च, ठीक है, तो सिर्फ सर्च वाले जो है उस प्रॉपर्टी को डिलीट कर रहे हैं, अरे यार, ठीक है, यानी सर्च वाला जो फील्ड होगा ना यहाँ पे आएगा ना, सर्च बहुत सारा होगा तो ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्चुअल में, तो सिर्फ सर्च को हम लोग डिलीट कर रहे हैं, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे न्यू पैरम्स, ठीक है, तो यानी कि भाई अपडेट करके भेज रहे हैं कि भाई सिर्फ उसको डिलीट करके बाकी भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पे और एक बार रिलोड करके देखते हैं, ठीक है, इस बार कि कैसा ये चीज़ आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा सीन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि भाई लिखते हैं हॉटमेल, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो है हॉटमेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर जैसे हम लोग इरेज कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इरेज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा इरेज कर देंगे, तो ये देखो पूरा हट गया URL, ठीक है, तो ये चीज़ है और ये काम कर गया, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, समझ में आ ही गया होगा भाई कुछ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब तीर मारने वाला ऐसा कि भाई बहुत होता है ना कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा, सिंपल है भाई, मेरे को लगा था बहुत हार्ड होगा, बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल फिल्टरिंग, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ग्लोबल फिल्टरिंग कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, नहीं है, सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, और कैसे सर्वर साइड से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं कि भाई सुब्रतो ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये पार्ट तो आप समझा दो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, @ तूफानी कोडर पे, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।